Advocate Aradhana Bhargav, a very strong voice from Chindwara, where Adani has his Pench Power Limited, and they haven't been able to set up the plant because of her organizing. She's vice president of the Kisan Sangharsh Samiti in Chindwara in Madhya Pradesh. She has been attacked by Adani goons, but she continues her fight. Aradhana ji, aap humse baat karenge na? She's on Galaxy. 1 minute. I think I have to unmute her. Yes. Aradhana ji, aap apne aap ko unmute kijiye. Yes. कर लिया जी. आप आ जा रही है जी जी. सबको अदानी छिंदवाड़ा छोड़ो. हमने जितने लोगों की बातों को सुना, सभी समस्याएं कॉमन थी. जन सुनवाई उन्होंने की, उसमें कभी लोगों को नहीं आने दिया और उनके ही लोग रहे उस जन सुनवाई में. उसी तरह इन्होंने जो अलग अटकर है, हम पर प्राणघातक हमला किया, मुझ पर किया, डॉक्टर सुनीलम पर किया, हम लोगों को मरा समझकर. और फिर अदानी के ऑफिस में मिठाइयां बांटी गई कि आंदोलनकारी आज मार दिए गए. और यहाँ का सांसद जो थे कमलनाथ जी, ये इनके साथ खड़े हुए थे और उन्होंने उनकी पूरी मदद करने का काम किया. और जिस तरीके से हमने बिहार का, झारखंड का सुना, हमारे साथी डॉक्टर सुनीलम जी हैं, इनको आजीवन कारावास की सजा करा दी और गाँव में अखबार फिर उन्होंने बहुत बांटे और काम करने की कोशिश की. पर हम लोग ने लगातार संघर्ष किया. आज की तारीख में अदानी पावर प्लांट की एक ईंट भी नहीं रख सका है अदानी. इतना कमलनाथ का खास होने के बाद, नरेंद्र मोदी विकास खास होने के बाद भी छिंदवाड़ा की जनता ने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को हम लोग जीते. मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आपने इस वेबिनार के माध्यम से हमारे अखबार की कटिंग को भी आपने इसमें दिखाया. डॉक्टर सुनीलम जी के हमले के समय के फोटोग्राफ्स भी आपने दिखाए. हमें इस बात की बहुत खुशी है. साथियों, अभी हम ये जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि अदानी ने जोर जबरदस्ती करके किसान की जमीन के ऊपर जो कब्जा करके रखा है और बाउंड्री वॉल भर बनाई है, हम चाहते हैं वो जमीनें किसानों को वापस मिल जाए. थर्मल पावर तो हम लोग नहीं बनाने देंगे. अभी हम लोग कह रहे हैं कि जो माचागोरा डैम बनाया है, वो माचागोरा डैम इसलिए बनाया था कि उससे अदानी को थर्मल पावर के लिए जो पानी चाहिए था वो पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया. पर लगातार संघर्ष चलते रहा तो अदानी थर्मल पावर प्लांट की ईंट भी नहीं रखाई. और अब हम कह रहे हैं कि जो माचागोरा का डैम है उसमें सोलर प्लांट से बिजली पैदा करो और किसानों की जमीने किसानों को वापस करो. तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ, बांग्लादेश के लोगों के साथ, गुंडा जो प्रोजेक्ट है उसके साथ और देश के सभी साथियों से इस वेबिनार के माध्यम से ये चाहती हूँ कि अदानी के कब्जे की जमीनें किसान को वापस करने में हम लोग एकजुट हों. और जहां पर भी आंदोलन चल रहे हैं अदानी के खिलाफ, हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए. जैसे हम छिंदवाड़ा की लड़ाई को जीते हैं, हम दूसरे जगह की लड़ाई को भी साथियों अवश्य जीतेंगे. अदानी के गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि अदानी जो इतना दिखाता है कि ये दुनिया का दूसरे नंबर का रईस आदमी है, तो फिर इसके ऊपर कर्जा क्यों है? ये कर्ज क्यों नहीं पटाता है अगर इतना है? क्योंकि जो बैंकों में हमारा पैसा है उसी पैसे को सरकार दे रही है. सरकार गरीबों को लोन नहीं देती, पर संसद में चर्चा चलती है, स्टेट बैंक के लोगों को बुलाया जाता है और अदानी को कर्जा दिया जाता है. तो इस तरीके की सरकार जो अदानी के पीछे घूम रही है, हम ऐसी सरकारों को नकारते हैं, इनकी निंदा करते हैं और इनके खिलाफ हम लोग सतत संघर्ष जारी रखेंगे. साथियों, कल भी मैं चौसरा ग्राम में गई हुई थी जहां पर ये थर्मल पावर बनाना चाह रहे थे, पर ये सफलता नहीं हुई. आज भी किसान वहां पर लड़ने के लिए तैयार हैं. और अब हम, हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे इंसाफ के भी साथी हैं, तो हम किसानों की जमीनें किसानों को वापस मिले उसके लिए अब हम फिर न्याय की शरण लेने का काम करेंगे. यहाँ पर भी अदानी ने वही किया, सार्वजनिक रास्ते बंद कर दिए, सार्वजनिक कुएं बंद कर दिए,
और जो चरनोही की जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया और किसान को डराकर धमकाकर मुआवजा भी नहीं दिया, वो जमीन पर कब्जा करने का काम किया और बस एक लालच देते रहता है, नौकरी देंगे नौकरी देंगे। और हम लोगों का, हमारे किसान साथियों का सबका कहना है कि अब हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमारी जमीनें वापस करो। ये संघर्ष साथियों हम लोगों का बहुत तेजी के साथ जारी है। हमने ग्रीन ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर किया था जहां पर हमें विजय मिली और वहां पर अदानी ने यह कहा कि मैं छिंदवाड़ा में प्लांट नहीं डालूंगा, पर सरकारें जो इनके पीछे घूमती हैं, अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तो मुख्यमंत्री ने जितने फैसले किए थे जाते जाते उन सब फैसलों को मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने निरस्त कर दिया, पर अदानी पावर प्लांट को भी जाते जाते कमलनाथ जी परमिशन देके गए, शिवराज सिंह चौहान ने उसको निरस्त नहीं किया। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, हमने जनता की, छिंदवाड़ा की जनता के नाम पर भी खुला पत्र लिखा, हम यहाँ के व्यापारी मंडल से, अधिवक्ता साथियों से, सबसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं इस आंदोलन के साथ जुड़ो और अदानी को छिंदवाड़ा से बाहर भगाओ क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित होगा और अगर अदानी पावर प्लांट डालता है तो 20 किलोमीटर के दायरे में कोई अनाज का दाना पैदा नहीं होगा, पानी जहरीला हो जाएगा, मछलियां मर जाएंगी। Very briefly, Advocate Aradhana Bhargava, who is from the Kisan Sanghar Samiti, which is a peasant struggle organization in Chindwara, Madhya Pradesh, she said that, look, I've been hearing all these struggles and what we've been doing in Madhya Pradesh is so similar to what people have been facing in other places like Gujarat and Jharkhand as well. So the same things, which is that coerced, forcing people to stay out of the public hearings, so rigging the public hearings through force and violence, false promises of jobs, grabbing of land, grabbing of grazing lands, of wells, and all of that, as well as in her case, she as well as Sunilam, who is another very well-known activist and former MLA as well, they were both attacked by Adani's goons and injured and left for dead, and sweets were distributed in the Adani office saying, we've killed these activists, but they survived the attack. And Kamal Nath, who is a leader of the Congress party and somebody who was till a few weeks, just a very, very short while ago, was the chief minister of Madhya Pradesh. He also stood with the Adani company. So, of course, till now, we've been hearing about how the BJP stood with the Adani company and Narendra Modi, but this is a Congress leader who also stood with the Adani company when all these absolutely criminal, murderous activities were going on. Sunilam was served with a prison sentence or life imprisonment. He was released from that later, but he was subjected to that arrest. And she said that in spite of all this, Adani has not been able to place a single brick of his thermal power plant, which is a major victory for the people of Chindwara. And she said that the newspaper cuttings have been shared here on the group that show photographs of when Sunilam was arrested and all of that. She says, now what we're demanding is that the farmers' land, which has been walled off with boundary walls for Adani, that should be freed. So free the farmers' land. She's also said that there was a dam that was set up there basically to produce water to fuel the Adani thermal power plant. Since the Adani thermal power plant has not been able to start, she is saying what we are demanding is that that dam should now produce electricity through other plants, which should be used for the local farmers and not for Adani's profits. She expressed solidarity with everyone, all the other movements. And she said that, the issue is that the government is giving loans to Adani and he doesn't repay those loans. So it is we who are being forced to subsidize Adani. She visited the village where the struggle center just yesterday and the farmers are ready to fight. And she also pointed out that there's just been a change of government in Madhya Pradesh, where now there's a BJP government. And she says that there's a change of government, but there's no change in the policy. And this new government sort of overturned all the other decisions taken by the previous government, except the one relating to Adani.
And she said, well, Madhya Pradesh also, we have plenty of electricity, we have surplus electricity, we don't need an Adani power plant.